क्या आपको पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे कैदी भी होते हैं जिनका अभी कोर्ट के अंदर ट्रायल चला ही नहीं है, जिनका अभी कोर्ट के अंदर पेशी हुई ही नहीं है, जिनका अभी तक कोर्ट के अंदर केस चढ़ा ही नहीं है, लेकिन उन सभी कैदियों को अभी तक जेल में बंद करके रखा होता है। ऐसे कैदियों को हमारे देश में बोला जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का भी एक अपना अथॉरिटी होती होगी जो इनका कैलकुलेशन करती होगी, कितने कैदी हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, कितने कैदी हैं इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तौर पे ट्रीट करे जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनके साथ होता क्या है, कौन इनको देखरेख करता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की क्वांटिटी कम हो पाए, देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम का काम बहुत फास्ट तरीके से चल पाए, तो इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो का जो मुद्दा है वो है कि 80,557 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, कहां पर, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में। और ये बात इन्फॉर्म करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, किसको, लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर मुद्दा छिड़ा था मिनिस्टर्स ने, इनफैक्ट यूपी के, उत्तर प्रदेश के अपने पर्सनल मिनिस्टर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा के अंदर ये सारी बातों को इन्फॉर्म करा है, ड्रॉबैक्स को बताया है और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लिए जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में बात बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पूरी वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म करा लोकसभा को कि भाई देखो नंबर ऑफ जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है ना वो 2020 के अंदर ना बढ़ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2020 क्यों बोल रहे हैं, भाई देखो जो कैलकुलेशन करती है ना जो अथॉरिटी पर्टिकुलर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रिगार्डिंग, वो 2 साल पीछे चलती है, यानी कि अभी तक डाटा निकल के आया है 2020 तक का। तो 2020 के अंदर ना इनकी जो फिगर है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की वो बढ़ चुकी है, किसके कंपेरिजन में, 2019 के कंपेरिजन में, 2018 के कंपेरिजन में। अब 2020 के अंदर, अब 2020 के अंदर जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3,52,495 की फिगर शो हुई है, जहां पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की भी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर, मैं बात करूं केवल यूपी के अंदर 80,557 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं अभी जो अपना केस की सुनवाई करने के लिए वेट कर रहे हैं कि भैया मेरी एक हियरिंग तो करवा दो ताकि मेरा केस चढ़ पाए कोर्ट के अंदर, ट्रायल की स्टेज पे आए, अभी तो उनका केस भी नहीं चढ़ा है। तो 2019 के अंदर यह फिगर थी 3,14,474, 2018 में फिगर थी 3,08,141, लेकिन 2020 के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस केस के अंदर जो है नंबर ऑफ कन्विक्ट्स, मतलब जज साहब के द्वारा जो फैसला सुनाना होता है कन्विक्शन का या एक्विटल का, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, कन्विक्शन का मतलब सजा सुनाना, एक्विटल का मतलब बाइज्जत बरी करना। तो जो जज साहब के द्वारा कन्विक्शन की सजा सुनाने की जो बात थी वो कम होती जा रही है, कन्विक्शंस कम होती जा रही है, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जो देश में बहुत गलत एक मैसेज आता है यहां पे हम देखा जाए तो, यानी कि यहां पे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर आवाज उठती है, या तो जजेस की कमी है, या तो जजेस की कमी है तो, या फिर जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोई ड्रॉबैक है जो इतना ज्यादा केस को डीला करे जा रहे हैं। और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की क्वांटिटी देखो 3,52,000 तक की पहुंच गई है, जो ये सॉल्व होते होते पता नहीं 10 साल 20 साल 50 साल तक गुजर जाएंगे, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जुडिशियरी के अंदर काम करना। तो आप लोगों का क्या पॉइंट है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट सही बताइएगा कि आप मेरी बात पे अपना फेवर करते हैं या फेवर नहीं करते हैं, या आपका कोई अपना पर्सनल पॉइंट है जिससे कि मैं या बाकी सभी लोग आपके पॉइंट को फेवर करें, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, क्योंकि आप भी कोर्ट जाते हो, आपको भी बहुत अच्छे खासा नॉलेज होगी कि कोर्ट के अंदर कैसा जो जुडिशरी का काम होता है, कितने एफिशिएंसी से काम होता है, आप कितने इस बात पे भरोसा करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीआरबी के नाम से भी जानते हैं, ये जो क्या करते हैं, ये ना कंपाइल करते हैं प्रिजनर्स का एक स्टेटिस्टिक्स कि भाई कितने स्टेट के अंदर कितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, किनका ट्रायल किस स्टेज तक पहुंच चुका है, कन्विक्शन की स्टेज तक आ गया है, हियरिंग हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर दी गई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब काम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ठीक है। अब इन्होंने कंप्लाइन करती है प्रिजनर का स्टेटिस्टिक्स और पब्लिश करती है एक अपने एनुअल पब्लिकेशन में जिसका नाम है प्रिजनर्स स्टेटिस्टिक्स इंडिया। अभी लेटेस्ट की मैं बात करूं 2020 की अभी लेटेस्ट निकाली गई है, जिसकी वजह से जो आपके सामने डाटा सामने आया 80,000 ये वाला और ये सब जो डाटा आपके सामने आए हैं, कंपेरिजन जब उसी के बेसिस पे हम कर पा रहे हैं। अब 1091 लीगल सर्विस क्लिनिक्स भी प्रोवाइड्स करा रखे हैं जेल्स के अंदर, इनफैक्ट पूरे के पूरे यहां पर लोग कौन कौन होते हैं, एम्पैनल्ड लीगल सर्विस के एडवोकेट्स ये संभालते हैं क्या, लीगल सर्विस क्लिनिक और जितने भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं ये संभालते हैं क्या चीज, पूरा का पूरा
जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अंदर डाटा फाइंड आउट करने के लिए ये सभी लोग मदद करते हैं। साथ के अंदर एक और मैं बात बताऊं, लोकसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और यूपी के मिनिस्टर्स के द्वारा ये इन्फॉर्म करा गया है कि भाई देखो, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ना एक नया प्लेटफॉर्म बहुत जनरेट करा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसओपी, अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर करा था कि भाई आपको एसओपी, जितने भी अंडर ट्रायल रिव्यूज कमिटीज है ना, इनको एसओपी आपको देनी पड़ेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बात को गौर करते हुए बोला है कि हमने सारी स्टेट्स में, सारी यूनियन टेरिटरीज में जितने भी ये सारी कमेटीज हैं, अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटीज, हमने इनको एसओपीज भेज दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था। तो आशा करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो फिगर बढ़ रही है साल बे साल, ये कम हो जाए और जो जुडिशरी का अपना एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से बढ़ पाए। साथ में जो कन्विक्शन का यहां पे डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ कन्विक्शन, यानी कि एक्विटल या कन्विक्शन जजमेंट देने का जो टाइम प्रोसेस है, वो जल्दी से स्पीडी तौर पर बढ़ाया जाए ताकि ये जो फिगर है 352,495 ये कम हो पाए। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके बाकी हम सभी लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।